बिल्कुल गलत है, सिस्टम है, बहुत दिल चल नहीं पाएगा। इस पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता, कोई बड़ा बदलाव नहीं, लोगों से दूरी तो बनी। कांग्रेस में आगे बढ़ने के लिए जय जय करना जरूरी है। वो बांध टूट गया, 5-7 दिन मैं सो नहीं पाया, जुलूस से निकल गया, ये रातों रात चेंज हुआ। हर वक्त अपने आप को बचा के चलना पड़ता है। मैंने कहा पागल तो नहीं हो गए। हमने बहुत शिद्दत से पहलवानी की 3 साल। नमस्कार, जनसत्ता बेबाक में आपका स्वागत है। आज हमारे मेहमान हैं अश्विनी कुमार जी। अश्विनी कुमार जी नेता भी हैं, लेखक भी हैं, वकील भी हैं, दोनों ही सरकारों में UPA की मंत्री रहे हैं और 2022 में इन्होंने कांग्रेस छोड़ी है और शौकिया पहलवान भी ये रहे हैं। अब पहलवानी करते थे या देखने में इनकी रुचि थी, ये अभी हम इनसे जानेंगे। अश्विनी जी स्वागत है आपका। तो सबसे पहले हम राजनीति पर आते हैं। विपक्ष की एकता की बैठक में कांग्रेस भी शामिल हो रही है, NDA भी अपना कुंबा बढ़ाने में लगा हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि आज कांग्रेस इस स्थिति में है कि इस पहल में वो एक मजबूत भूमिका निभा सकती है और फायदा ले सकती है अपने राजनीतिक में इसका? देखिए, कांग्रेस को कितना फ़ायदा मिलेगा ये तो वक्त आने पर पता लगेगा ऑपोजिशन यूनिटी से, मगर इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि बिना कांग्रेस की मुख्य भूमिका के जो विरोधी दलों की यूनिटी का सवाल है वो आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि चाहे किसी को पसंद आए या ना आए, आज भी अगर कोई विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी है सारे देश में अगर देखा जाए तो वो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने इस यूनिटी की प्रोसेस में लीड ली है और मैं समझता हूँ कि कुछ ना कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटी नज़र आ रही है। 19 के चुनाव में आप कांग्रेस में थे और 2022 के बाद अब तकरीबन 1.25 साल से आप कांग्रेस को पार्टी से बाहर रहकर भी देख रहे हैं, तो इस बीच आपको क्या लगता है कि कांग्रेस कितनी बदली है? देखिए, मैं समझता हूँ यहाँ तक तो कुछ बदलाव आया है कि कांग्रेस पार्टी ने एहसास किया है कि उसको अपने आप को नए सिरे से पुनर्जीवित करना पड़ेगा और लोगों की महत्वाकांक्षाओं के मुताबिक अपने आप को ढालना होगा। और एक चीज़ देखने में जो साफ तौर पर आई है वो ये है कि जो लोकल लीडरशिप्स हैं स्टेट्स की, उनको ज़्यादा प्राथमिकता दी जा रही है और ये ठीक भी है। मगर जो एक जिसको हम कहते हैं सीमेंटिंग फोर्स अगर कांग्रेस पार्टी में कोई रहा है इतने साल, वो गांधी परिवार रहा है। जब तक सोनिया जी हैं और गांधी परिवार का एक सीमेंटिंग रोल है, उनकी पोजीशन कांग्रेस पार्टी में हमेशा मजबूत रहेगी। मगर अगर ये कोई मुझसे पूछे कि क्या बुनियादी तौर पे कांग्रेस में ऑर्गेनाइजेशनल कोई बड़ा परिवर्तन आया है, तो अभी तो मुझे नज़र नहीं आ रहा। नेतृत्व का सवाल अगर हम करें, कांग्रेस के नेतृत्व का सवाल, तो 4 सालों में 2019 और आज 2023, आपके हिसाब से क्या बदलाव आया है? कोई बड़ा बदलाव नहीं। कांग्रेस पार्टी में जो पॉलिटिकल शक्ति है वो आज भी गांधी परिवार के साथ है और मुझे इसमें कोई बदलाव आने की कोई बहुत इसमें पॉसिबिलिटी भी नज़र नहीं आती। आप इंदिरा गांधी के ज़माने में कांग्रेस में आए, राजीव गांधी के ज़माने में भी आपने काम किया और सोनिया गांधी के ज़माने में भी आपने काम किया, तो गांधी परिवार के ये 3 लोग, 3 नेतृत्व, आप क्या देखते हैं इनकी कार्यशैली में और इनकी नेतृत्व क्षमता में आपके हिसाब से क्या प्लस और क्या माइनस था? देखिए, ये बड़ा कठिन सवाल है, क्योंकि इंदिरा जी तो बहुत कदावर नेता थी, उनसे बड़ा नेता तो कांग्रेस में पंडित जी के बाद कोई, मैं नहीं समझता हूँ कोई हुआ। क्लियर स्वभाव था, जिस तरह वो लोगों की नफ्स को समझती थी वो बहुत कम लोग समझ सके हैं, क्योंकि उसका कारण ये था कि दफ्तर जाने से पहले सुबह 8 से 9 बजे तक कम से कम हर रोज़ 200-300 लोगों को मिलती थी, नफ्स उनको पता थी। देखिए, ये मत भूलिए, इंदिरा जी जो फ्रीडम स्ट्रगल की कड़ी थी उसमें और मॉडर्न कांग्रेस की जो लीडरशिप थी उसमें वो जोड़ थी। उसके बाद राजीव जी आए, बड़े दुखद परिस्थितियों में आए, मगर लोगों ने राजीव जी को बहुत प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया। उनके बाद जब सोनिया जी आई, तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि इन तीनों नेताओं की जिन आपने बात की, सबसे नज़दीकी से मैंने सोनिया जी के साथ काम किया। उन्होंने हमेशा अपने आप को
एक तरह से पीछे रख के कांग्रेस को आगे बढ़ाने की कोशिश की। उनका कभी भी मन प्रधानमंत्री बनने का नहीं था, ये बात मुझे आज, मैं पिछले जब सोचता हूँ तो मुझको बिल्कुल साफ नज़र आ रही है। और जब वो एक फैसला कर लेती थी जैसा भी हो, फिर वो प्रेशर में कभी बदलती नहीं थी। ये सोनिया जी की बहुत बड़ी खूबी थी, और सोनिया जी में एक बहुत बड़ी एक सेंस ऑफ लॉयल्टी भी थी, और एक उनमें जो लोग आम लोग नहीं जानते, एक कंपैशन भी है उनके मन में। अगर आप कभी कोई अपने फैमिली की बात करें, व्यक्तिगत बात करें, तो वो बहुत उसको नरमी से सुनती थी, समझती थी। हाँ, पिछले दिनों में उनका फैसला था कि अब नया युग आ गया है, इसलिए उन्होंने अपने आप को पीछे किया। उसके साथ नुकसान भी हुआ, कुछ फ़ायदा भी हुआ। राजीव गांधी जी का कमाल ये था कि एक बार उनसे जो मिल लेता था, उनका भक्त और दोस्त बन जाता था। वो इतने सरल स्वभाव के थे, मैंने तो गुस्सा कभी उनमें देखा ही नहीं। तो जिन दिनों कांग्रेस सबसे अच्छी स्थिति में थी, उन दिनों का आपने एक ही चीज़ बताया कि कांग्रेस की जो नेता थी वो जनता से संपर्क में रहती थी। तो क्या ये आप कहना चाह रहे हैं, या ये माना जाए कि जनता से दूरी कांग्रेस की बढ़ती गई और राजनीति में जो है उसकी जगह छोटी होती गई, ये सच है? कहीं ना कहीं तो इसमें सच्चाई है कि जन क्योंकि पहले स्टेट्स में कांग्रेस के बहुत कदावर नेता होते थे। एक वक्त ऐसा आया इंदिरा जी के बाद, फिर राजीव जी के बाद, और फिर कुछ हद तक जब सोनिया जी भी आईं, कि सेंट्रल लीडरशिप अपने कांधों पर पार्टी का बोझ उठाती रही। उसका नतीजा ये हुआ कि जो लोकल नेता थे, वो जो कम क्षमता वाले लोग थे, वो आगे बढ़ गए। जब वो आगे बढ़ गए तो एक वैक्यूम सा हो गया, तो इसलिए लोगों से दूरी तो बनी। तो क्या आप अगर बीजेपी के लिए एक अच्छी संभावनाएं देख रहे हैं, तो वहाँ पर आप खुद को भी देख रहे हैं अगले चुनाव में? मैंने कोई भी पार्टी ज्वाइन करने का फैसला नहीं किया है, और उसका एक कारण है, मेरी कांग्रेस के साथ कोई बुनियादी आइडियोलॉजिकल लड़ाई ना थी ना है। मेरा मुद्दा दूसरा था, जिस मुद्दे पर मैंने इस्तीफा दिया। और जब तक मैं इस बारे में आश्वस्त नहीं हूँ कि जिस तरह का डिग्निफाइड पॉलिटिक्स की मैं आस करता हूँ, जहाँ वर्कर की, लीडर की एक अपनी पहचान भी हो, वो जब तक सामने क्लियरली नज़र नहीं आएगी और ऐसी विचारधारा नज़र नहीं आएगी जिसके साथ मैं अपने आप को जोड़ सकूँ, तब तक मैं ज़रूरी नहीं समझता हूँ कि इस स्टेज पर अपनी ज़िंदगी के मैं कोई ना कोई पार्टी ज़रूर ही ज्वाइन करूँ। हाँ, अगर ज़रूरत पड़ी तो विकल्प हैं, मुझे इनकार ही कोई नहीं, मगर मुझे जल्दी किसी बात की नहीं। मुझे कोई MP बनने की चाहत नहीं, मुझे कोई मंत्री बनने की चाहत नहीं, और मुझे खामखा किसी की जय बुलाने की भी चाहत नहीं। तो क्या कांग्रेस में आगे बढ़ने के लिए जय जय करना ज़रूरी है? किसी भी पार्टी में जाने के लिए अब ये एक्सपेक्टेड है कि आप को कहीं ना कहीं अपने बहुत गहन विचारों को ताक पर रखना पड़ता है। कांग्रेस में ऐसी क्या स्थिति बनी जो आपने करीब 45-50 साल पुराना रिश्ता तोड़ दिया कांग्रेस से? देखिए, कई वर्षों से, मैं कहूँगा 2013-14 के बाद से, फिर 2016 के बाद से कई चीज़ें हुई जो मैं समझता हूँ ठीक नहीं थी, अनफेयर थी, पर मैं चुप रहा, मैं पीता गया, सहता गया। मगर कभी कभी स्थिति ऐसी आती है कि बांध टूट जाता है। वो बांध टूट गया। जब टूट गया तो उसके बाद मैंने बहुत, उसके बाद भी बहुत कश्मकश रही, 5-7 दिन मैं सो नहीं पाया। मगर जिस दिन मैंने ये फैसला किया कि भाई अब मैं यहाँ नहीं रह सकता अपने सम्मान को बरकरार रखते हुए, जिस दिन मैंने छोड़ने का फैसला किया, उस दिन बहुत आराम से सोया रात को, और अगले दिन इस्तीफा दे दिया। किसी से बात नहीं की, क्योंकि अगर बात कर लेता इस्तीफा देने की, और अगर मुझे मेरे नेता कह देते कि नहीं ऐसा मत करो, तो शायद मेरे लिए कठिन हो जाता। तो जैसे 2016 से आप बता रहे हैं कि चीज़ें ऐसी हो रही थी, हाँ। तो थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि क्या ऐसी चीज़ें थी और जिस तरह अंत में जिस तरीके से अमरिंदर सिंह को हटाया गया, जिस तरीके से उस वक्त के चीफ मिनिस्टर और PCC वगैरह में जिस तरह की कहानी चली पंजाब में, जो मैं समझता हूँ जुलूस से निकल गया कांग्रेस पार्टी का, तो वो हम उसके बड़ा अपने आप को हम महसूस करने लगे कि ये वो पार्टी ही नहीं रही।
तो ये जो हाईकमान का डिसीजन था उस समय, इसको लेकर आपने अपना सेंटिमेंट उन तक पहुंचाया था उस समय? उस समय जब ये चेंज हो, ये रातों रात चेंज हुआ, जब फैसला हो ही गया, सीएलपी की मीटिंग जब बुला ली गई उस दिन सुबह 12, जब 12 बजे मीटिंग होनी थी तो सुबह 9 बजे हमको पता लगा, 8:30-9 बजे, उस वक्त जाके क्या कहते। बाद में जब ये शुरू हुआ तब भी ऐसा लग रहा था कि शायद इसमें कुछ अच्छा निकले, मगर जैसे जैसे वक्त चलता गया, जैसे जैसे वो तकरार बढ़ती गई लोकल लीडरशिप में, और हर दूसरा आदमी मुख्यमंत्री का कैंडिडेट, हर चौथा आदमी डिप्टी चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट, हर आदमी पीसीसी प्रेसिडेंट का कैंडिडेट, और उससे कुछ अच्छा नहीं लग महसूस हुआ। अब आते हैं आपके बतौर कानून मंत्री और बतौर वकील जो आपके अनुभव हैं उस पर आते हैं। कानून मंत्रालय में आप हालांकि कम समय के लिए रहे, उन दिनों का क्या अनुभव था आपको? कानून मंत्रालय जब मिला तो आपको क्या लगा कि देश के जुडिशियल सिस्टम में सबसे बड़ी समस्या क्या है जिसको कि ठीक करने की ज़रूरत है? सबसे बड़ी समस्या देश के जुडिशियल सिस्टम में है डिलेज इन डिसीजन मेकिंग। कोर्ट्स में बहुत लंबा समय लगता है इंसाफ मिलने के लिए, पर इस पर बहुत सरकारों ने काम किया, बहुत कमेटियाँ बनी। दिनेश गोस्वामी कमेटी बनी थी जनता सरकार के वक्त जुडिशियल रिफॉर्म्स की, उसके बाद कई कमेटीज बनी, मगर इतने ज़्यादा स्टेक होल्डर्स हैं, जुडिशरी है, बार है, लॉयर्स हैं, लिटिगेंट्स हैं, सामाजिक मुद्दे हैं, इतने ज़्यादा स्टेक होल्डर्स थे कि जिस तरह का रिफॉर्म देश के जुडिशियल सिस्टम में होना चाहिए था वो मुमकिन नहीं हो पा रहा था, तो एक बड़ी चुनौती थी। जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, जुडिशियल अपॉइंटमेंट और जुडिशियरी की रेस्पॉन्सिबिलिटी, इन चीज़ों को लेकर उस समय क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है? देखिए, पहली बात करते हैं जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स की। जो एनजैक बना था वो मेरे वक्त बना था। उस वक्त ये आम धारणा थी पार्लियामेंट में, पॉलिटिकल पार्टीज़ में, कि ये बड़ा अजीब सी व्यवस्था है कि दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि जज ही अपने आप को नियुक्त करें, तो जो चुनी हुई सरकार है उसका कुछ ना कुछ तो रोल होना चाहिए, ये नहीं है कि सारा रोल सरकार का हो, जुडिशरी का रोल हो, चीफ जस्टिस का रोल हो, इसलिए हमने एनजैक बनाया। उस वक्त के जो लीडर ऑफ द अपोजिशन अरुण जेटली साहब थे दिवंगत, उनसे मैंने बातचीत की, बातचीत करके एक आम राय बना के हमने एनजैक बनाया, जिसको ध्वनिमत से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास हो गया। एक ही लोन डिसेंटर था जेठमलानी साहब, बाकी सब ने उसको एक्सेप्ट किया। ये एक बड़ी चुनौती थी, वो हमने बनाया था, फिर वो पास हुआ बाद में, उसके बाद पार्लियामेंट चला नहीं, बहुत लड़ाई वगैरह रही, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया, अब जब तक किसी के पास 2/3 मेजॉरिटी ना हो दोबारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाने की बात हो नहीं सकती, इसलिए वो बात वहीं की वहीं खड़ी है। कोलिजियम सिस्टम में कुछ कमियाँ हैं, कुछ खामियाँ हैं। देखिए, एक बात में ये ज़रा बारीक नुकता है पर मैं बताना चाहूँगा। लोग कहते हैं कि जजों की नियुक्तियाँ अगर जज ही करें तभी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बरकरार रह सकती है, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल ये प्रेमिस ही गलत है मेरी राय में। कौन अपॉइंटमेंट करे उससे जुडिशियल इंडिपेंडेंस सुनिश्चित नहीं हो सकती, कैसी अपॉइंटमेंट हो उससे जुडिशियल इंडिपेंडेंस सुनिश्चित होती है। पंडित जी के वक़्त तक, इंदिरा जी के वक़्त तक, राजीव जी के वक़्त तक, 1992 से पहले सारी नियुक्तियां सरकार करती थी, और ये आम राय है, आप लॉयर्स और जजेस में भी पूछ लीजिए कि सम ऑफ द बेस्ट जजेस तब नियुक्त हुए थे। तो ये कोई गारंटी नहीं है कि अगर जजेस अपॉइंट करेंगे तो सबसे बेहतर जज तब बनेंगे। तो कोई भी चुनी हुई सरकार होती है उसको हमें कुछ तो उसको बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए ना, कि कोई भी सरकार चुन के बुरे जजेस नहीं अपॉइंट करती, और अगर किसी जज ने इंडिपेंडेंट नहीं रहना तो चाहे वो कोई भी अपॉइंट करे उसको नहीं रहना, इंडिपेंडेंट तो नहीं रहेंगे। संविधान में वर्ड कंसल्टेशन है, कंकरेंस वर्ड नहीं है। संविधान में ये लिखा है कि सरकार चीफ जस्टिस के साथ कंसल्ट करके नियुक्तियां करेगी। जब इस बात का विवाद हुआ कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कैसे सिक्योर हो, तो बाय जुडिशियल इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कंसल्टेशन मींस कंकरेंस, कि सहमति होनी जरूरी है, ये वर्ड है ही नहीं कहीं। कंसल्टेशन का मतलब है विचार विमर्श करना, कंकरेंस का मतलब है सहमति होना, कहाँ विचार विमर्श, कहाँ सहमति।
मगर अब क्योंकि जुडिशियल सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो वहाँ बात टिकी है, मगर ये मेरा मानना है ये जो सिस्टम है बहुत दिल चल नहीं पाएगा। जैसे आपके समय में आपको अगर याद हो कि कितने जज नियुक्त हुए थे और कितने टाइम उस समय जजों की नियुक्ति में लगता था और आज जो इस तरह से टाइम लग रहा है, मेरी फाइलें तो 72 घंटे के अंदर या 4 दिन के अंदर वापस आ जाती थी। मुझे याद है एग्जैक्ट ना भी पता हो मगर 44 के करीब हाई कोर्ट के जजेस मैंने अपॉइंट किए 7-8 महीने में, और मेरा ख्याल है 3 या 4 सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्तियां मेरे वक्त में हुई। आपके समय चीफ जस्टिस से आपकी मीटिंग होती होगी बतौर कानून मंत्री? ज़रूर होती थी, तो कभी कोई किसी किस्म की डिफरेंस आई नहीं। कितनी फ्रिक्वेंटली मीटिंग होती थी? ये किसी इशू के बेसिस पर होती थी, मैंने कोई लॉग तो किया नहीं है, मगर कभी कोई अड़चन नहीं होती थी। अगर वो कभी कोई बात कहना चाहते थे तो फ़ोन पे बात कर लेते थे। आज जो जुडिशरी और गवर्नमेंट का रिलेशनशिप है तो आपके समय से बदला हुआ लग रहा है आपको, आप बाहर से देख रहे हैं आज? मैं तो बाहर से ही देख रहा हूँ साहब, मैं क्या कह सकता हूँ। मैं देखिए जो पिछले लॉ मंत्री थे उनकी जो टिप्पणियाँ आई उनसे तो थोड़ी बहुत तलखी हुई बिटवीन द इंस्टीट्यूशंस, मगर इस वक्त जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं और जो कोलिजियम सिस्टम है उनकी नियुक्तियाँ तो हो रही हैं, तो मुझको लगता है कि ठीक ही होगा तालमेल। राहुल गांधी के केस का फैसला हुआ, डिफेमेशन केस पर जो फैसला आया, लोअर कोर्ट में आ गया और हाई कोर्ट तक चला गया, तो एज एन एक्सपर्ट आपको क्या लगता है कि ये जो ऐसा आरोप था उन पर जो साबित हुआ, क्या ऐसा आरोप था जिसमें कि मैक्सिमम पनिशमेंट डिजर्व? मेरे ख्याल से ये मैक्सिमम पनिशमेंट का केस नहीं है। नहीं है ना, ये मैं समझता हूँ कि ये डिसप्रोपोर्शनेट पनिशमेंट मिला है। तो क्या ये ऑब्जर्वेशन आपका है कि ये जो डिसीजन है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो सकता है? मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा क्योंकि ये विचार जुडिशरी के विचाराधीन है, आई डोंट वांट टू कमेंट। ऐसे आपको लगता है कि जो न्यायपालिका है हमारी आज वो किसी ना किसी तरह के दबाव में काम करती है? हमारे वक्त कोई तो कोई सवाल ही नहीं था कि कोई सोच भी सके कि न्यायपालिका पर किसी किस्म का कोई दबाव डाले। अब दबाव है कि नहीं, मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर सकता। अब थोड़ी सी बात हम लोग UCC पर करेंगे, हालांकि अभी उसका ड्राफ्ट हमारे सामने नहीं आया है लेकिन वो मामला भी चर्चा में आ गया है, और जो कहा जा रहा है कि अभी ये मान के चला जाए कि सभी के लिए एक तरह का विधान बनेगा अगर UCC लागू होता है, तो ड्राफ्ट अभी हमारे सामने नहीं है, तो क्या इससे आपको लगता है कि अगर UCC इस रूप में आता है तो जो एक आरोप लग रहा है कानूनन रूप से, कानूनन पहलू के हिसाब से, कि ये मुस्लिमों को ज़्यादा प्रभावित करेगा या सभी को बराबर असर इसका कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा? देखिए जो समान नागरिक संहिता की बात आप कर रहे हैं, सिविल कोड की बात कर रहे हैं, इसका प्रावधान तो संविधान के अनुच्छेद 44 में ऑलरेडी है, मगर इसको फंडामेंटल राइट ना बनाकर इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में इसलिए रखा गया था कि हालांकि समान कानून नागरिकों का, जहां तक अडॉप्शन का सवाल है, शादी का सवाल है, इनहेरिटेंस का सवाल है, समान देश के समान नागरिकों पर एक तरह का कानून होना चाहिए, एक बुनियादी बात थी जिसको हमने स्वीकार किया आर्टिकल 44 के मुताबिक, मगर उस वक़्त इसको इन्फोर्स इसलिए नहीं किया गया क्योंकि उस वक्त भी ये समझा गया था कि इस देश का जो इसकी जो पहचान है, जो इस देश का एहसास है, ये डाइवर्स है, तरह तरह के कस्टम हैं, नई कई स्टेट्स में फ़र्क कस्टम है, लाहौल स्पीति में फ़र्क कस्टम है, साउथ में फ़र्क कस्टम है ब्याह शादियों का, वहाँ मेट्रोलिकल सोसाइटी है, कहीं पेट्रियारकल सोसाइटी है, धर्मों के आधार पर कस्टम तौर तरीके फ़र्क हैं, इसलिए जबरन एक सिविल कोड सारे देश पर ना लागू किया जाए और इस पर एक आम राय बननी चाहिए, जब बनेगी तब किया जाएगा। बुनियादी तौर पर इसमें कोई बुरी बात नहीं है मेरी पर्सनल व्यू में, मगर डाइवर्सिटी है इस देश में, तरह तरह के विचारधाराएं हैं, कस्टम्स हैं, रिवाज हैं, धर्म हैं, अब किन पहलुओं पर, किन बिंदुओं पर सिविल कोड सबके लिए बेहतर होगा या नहीं होगा, ये तो जब ड्राफ्ट आएगा तभी पता लगेगा। अभी अगर आप देखा जाए कि अगर आप मुस्लिम लॉ में देखें तो वहाँ इनहेरिटेंस वगैरह में कोई फ़र्क नहीं है, लड़के में लड़की में कोई फ़र्क यूँ नहीं है। अगर आप
डिवोर्स का लॉ देखें तो उसमें फ़र्क है। सो इसलिए जब तक इस पर आम राय नहीं बनती, जब तक प्रावधान सामने नहीं आते, इस पर कोई विस्तृत बहस हो नहीं सकती। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी, कई पॉलिटिकल पार्टीज़ ने यही कहा है कि जब सामने ड्राफ्ट आएगा तब बात करेंगे। कि अब हम फोरम के लिए ओपन करते हैं, अगर कुछ सवाल हो तो पूछ सकते हैं। सर अच्छा, ये जुडिशियरी में कास्टिज्म कितना मुझे तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। जैसे अभी जितने सालों में बस अभी तक हमने एक दलित सीजीआई देखा है। देखिए अब ये एक ऐसी डिबेट है कि अब सुप्रीम कोर्ट में भी ये है कि अगर सारे पैरामीटर्स कोई पूरे करते हैं तो चाहे वो दलित हो या नॉन दलित हो उसको सीजीआई बनना चाहिए, क्योंकि सीनियरिटी का एक अपना इम्पोर्टेंस है। किस तरह किसी को हम सुप्रीम कोर्ट में लेके आए, सीनियरिटी बहुत इम्पोर्टेंट है, फिर मेरिट इम्पोर्टेंट है। मगर इस करके कि कोई दलित है या कोई नॉन दलित है उसको चीफ जस्टिस बनाओ या ना बनाओ, मैं समझता हूँ कि ये इस तरह की नियुक्तियों के लिए ये क्राइटेरिया उपयुक्त नहीं है। सर एक चीज़ हो, आपने इतने साल राजनीति में निकाल रहे हैं, वकालत भी करते हैं, आसान आपको क्या लगा, राजनीति या वकालत? दोनों बहुत कठिन है, दोनों बहुत कठिन, ज़्यादा कठिन। देखिए वकालत की चुनौतियाँ दूसरी हैं, हर रोज़ चुनौती है, हर केस चुनौती है, हर बेंच के आगे आपको अपना हुनर दिखाना पड़ता है, अपनी काबिलियत दिखानी पड़ती है, अपनी तैयारी दिखानी पड़ती है। राजनीति की चुनौतियाँ बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। राजनीति तो जिसे कहते हैं कि डॉग ही डॉग वाला लड़ाई है, कि अपने से आगे देखने से ज़्यादा पीछे देखना पड़ता है, कहाँ से घाव आ रहा है, कहाँ से अटैक होगा, हर वक्त अपने आप को बचा के चलना पड़ता है, हर आदमी आपको खींचने को तैयार है, वहाँ तो सर्वाइवल की चुनौती है। राजनीति जो आज की है ये बिल्कुल थैंकलेस जॉब हो गया है, इसमें आप अपने आप को कितना मर्जी पिसा लो, कितना मर्जी पीस लो, काफ़ी नहीं। एक वैज्ञानिक सोच राजनीतिक फैसलों में मिसिंग है, क्या आपको ऐसा लगता है? रैशनैलिटी की तरफ कम ध्यान देते हुए फैसले लिए जा रहे हैं, क्या आपको ऐसा लगता है? नहीं, अब साइंटिफिक टेम्पर और रैशनैलिटी दो कम्प्लीटली जुदा चीज़ें हैं। देखिए मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री बना, अगर मुझसे कोई पूछता कि अश्विनी कुमार जी आपके मंत्री बनने की संभावनाएं हैं, आप क्या समझते हैं आपको कौन सा विभाग मिलेगा, तो ये बॉटम ऑफ द लिस्ट होता। और ये मैंने उस वक्त प्रधानमंत्री जी से पूछा भी, मैंने कहा जी मैं तो साइंस का कभी स्टूडेंट नहीं रहा, ना टेक्नोलॉजी का स्टूडेंट रहा हूँ, तो सर आपने मेरे लिए ये डिपार्टमेंट कैसा सोचा? तो उनका जवाब मुझे आज भी याद है, उन्होंने कहा कि देश के साइंस टेक्नोलॉजी मंत्री बनने के लिए साइंटिस्ट होना ज़रूरी नहीं है, बट वी नीड टू हैव समबडी हु कैन कन्वर्स विद द टॉप माइंड्स एंड अंडरस्टैंड देयर पॉइंट ऑफ व्यू। कोई ऐसी हमारी डिमांड नहीं होती थी जो उसी वक्त पूरी नहीं की जाती थी। मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूँ। जब मैं प्लानिंग मिनिस्टर भी था और साइंस टेक्नोलॉजी मिनिस्टर भी था, प्लानिंग मिनिस्टर जिसको सबसे कई लोग, जिस डिपार्टमेंट को कोई चाहता नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट देश का प्लानिंग का है, क्योंकि प्लानिंग मंत्री बतौर प्लानिंग मिनिस्टर हर दूसरे मंत्रालय में दखल दे सकता है। तो जब मैं बना तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री भी था, तो 2005-06 तक सुपर कंप्यूटिंग कैपेबिलिटी जो हिंदुस्तान की थी वो चाइना से ऊपर थी, लिटिल बिट वी वर बेटर ऑफ देन चाइना। 2010-11-12 तक चाइना कहीं आगे निकल गया सुपर कंप्यूटिंग में, हिंदुस्तान पीछे रह गया। अब सुपर कंप्यूटिंग क्या है? सुपर कंप्यूटिंग ये है कि जिसकी जो सुपर कंप्यूटिंग पावर जो होती है, कैपेसिटी, जितनी नेवल वॉरफेयर है, एयर वॉरफेयर है, क्लाइमेट चेंज की बात है, वेदर फोरकास्टिंग है, ये सब सुपर कंप्यूटिंग से होती है। तो जितनी ज़्यादा कैपेबिलिटी कंट्री में होगी कंप्यूटिंग की, उतनी ज़्यादा आपकी टेक्नोलॉजिकल शक्ति होगी, सब कुछ उस पर आधारित है। तो मैंने पूछा भाई ये कैसे हुआ, हम पीछे कैसे पिछड़ गए? तो उन्होंने पूछा सर अभी हमारे यहाँ इतना इकोसिस्टम नहीं बना जहाँ पर इतनी सुपर कंप्यूटिंग की ज़रूरत हो, इसलिए इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं हुई। मैं कही तो बिल्कुल गलत बात, तो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है, आज नहीं है तो कल ज़रूरत पड़ेगी। अब सारा एयर वॉरफेयर जो है वो एयर वॉरफेयर हो गया, आपने देखा सारी दुनिया में
सब लड़ाइयाँ एयर वॉरफेयर से जीती जाती हैं या नेवल वॉरफेयर से जीती जाती हैं, और इसमें सुपर कंप्यूटिंग की ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा सर इसमें पैसे बहुत लगेंगे। कितना लगेगा? उन्होंने कहा 5.5-6 हज़ार करोड़ रुपया चाहिए इसको नेक्स्ट लेवल पर जाने का। मैंने एक खत लिखा प्राइम मिनिस्टर को और पूरा ये उसका लॉजिक दिया। विद इन 1 month आई गॉट 6,000 crores फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ना तो फंड्स का अभाव है, ना ही किसी साइंस और टेक्नोलॉजी के साइंटिस्ट की बात को नकारा जाता है, बहुत इज्जत दी जाती है। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर की साइंटिफिक काउंसिल है, आप जानते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर प्रिजाइड करते हैं, जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर मेंबर होता है, उसमें देश के बड़े वैज्ञानिक, देश के कई लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट उसके मेंबर होते हैं। तो कई चीज़ें वहाँ जाती हैं। तो मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि कोई भी सरकार हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, चाहे देवगौड़ा जी की सरकार थी, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिटी का बहुत सम्मान है देश में। मेरे ख्याल से उनका सवाल ये था कि जो राजनीति में फैसले लिए जाते हैं उसके पीछे को वैज्ञानिक सोच का इस्तेमाल होता है या नहीं? फैसले में वैज्ञानिक सोच, अब वोट कैसे लेना है इसमें वैज्ञानिक सोच क्या है, क्या करेगी? आपको अपनी स्वीकार्यता कैसे बनानी है इसमें क्या वैज्ञानिक सोच बात करेगी? इसमें तो यह है कि आप लोगों को दिल से कैसे जोड़ते हो। यहाँ देखिए, यहाँ कम नज़र का गुजर नहीं, यहाँ अहले ज़र्फ का काम है, बड़े दिल का काम होता है राजनीति। इसमें रैशनैलिटी का काम नहीं है कोई, बल्कि हम राजीव जी बहुत रैशनल स्पीच किया करते थे, तो हम लोग तो बहुत जूनियर थे तब, पर हम भी उनके लोगों को कहा करते थे कि राजीव जी को कहो ज़रा इमोशनल बात करें, तो वो कहते थे कि इनका दिमाग साइंटिफिक है, ये रैशनल बात करते। तो भावना से राज, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इज अ फंक्शन ऑफ इमोशन, ये बात आप याद रखिए। आपने राजीव गांधी जी के साथ भी काम किया है और आपने राहुल गांधी जी को भी देखा है। इतना नहीं, बहुत दूर से देखा। तो आपको राजीव जी और राहुल जी में क्या समानता है और क्या डिफरेंसेस? बहुत फर्क। राहुल गांधी का जो हृदय है वो ठीक जगह पर है, वो आइडियलिस्ट है, आदर्शवादी है। वो कहते हैं चाहे मुझे 30 साल लड़ना हो, सत्ता में आना है, वो अपनी जगह एक अच्छी बात है जो एक नौजवान में। मगर जो राजीव गांधी की दोस्त बनाने की शक्ति थी ना, वो एक अजीब ही थी। हम तो उनको देखते ही रहते थे, उनको मिलकर ही हमारे को एक हफ्ता नशा चढ़ा रहता था। और वो जब अपनी एक बात कह देते थे ना, वो करते थे। मैं आपको एक बात बताता हूँ, 1986 की बात। मैं 86 में ही सीनियर एडवोकेट बना सुप्रीम कोर्ट का, सबसे कम उम्र का सीनियर एडवोकेट था, 33 साल 34 साल उम्र थी। तो मैं राजीव जी को मिलने गया, ना मैं एमपी था ना मैं कोई ऑफिस बेरर था, मगर मैं उनको मिला करता था। तो पार्लियामेंट, वो प्राइम मिनिस्टर थे, तो मैं ये खुशखबरी लेके गया कि जी मैं आपको वैसे मिलना चाहता हूँ। उनको वह गया तो बहुत खुश हुए थे, तो बोले, खड़े खड़े बात करते थे अपने ऑफिस में, 2-4 मिनट की बात हुई। तो मैंने पता नहीं क्या कह दिया, मैंने कहा सर मेरा यूनाइटेड नेशंस में बड़ी रुचि है, तो मेरी एक इच्छा है कि कभी मैं देश का प्रतिनिधित्व यूनाइटेड नेशंस में करूं। मेरी उम्र तब 33 साल की थी, 34 साल की थी। तो बोले अच्छा, यूएन का डेलीगेशन तो सितंबर में जाता है, ये बात जुलाई की है, तो मुझे एंड अगस्त में फलाने आदमी को रिमाइंड करा देना। उन्होंने किसी का नाम लिया, बात ख़त्म हो गई, हम आ गए। तो वो उस आदमी को मैंने अगस्त में ऐसे चलते चलते कहा, मैंने कहा मेरी बात हुई थी पीएम से, अच्छा ख़त्म होगी बात। तो मैं कोर्ट जाने के लिए तैयार हुआ, तो सुबह आया, अखबार पढ़ी, तो उसमें था कि भाई इंडियन डेलीगेशन अप्रूव कर दिया प्राइम मिनिस्टर ने, और डेलीगेशन आज रात को या कल रात को यूएन के लिए, न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो रहा है। तो हमने समझ लिया कि हमारा काम हुआ होगा, हम कोर्ट चले गए। तो मैं लंच खाने सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट आया करता था, तो वहाँ मेरे जूनियर्स कैसा, हम तो आपको सुबह से ढूंढ रहे हैं, आप कहाँ थे? मैंने कहा मैं तो कोर्ट में था, तुम्हें पता है। जैसे सर वो फॉरेन मिनिस्ट्री से फ़ोन आया, आपको रात को न्यूयॉर्क जाना है। तो मैंने कहा पागल तो नहीं हो गए, रात को न्यूयॉर्क जाना है, ना मेरा पास। इसे नहीं, उन्होंने कहा कि 1 बजे फॉरेन सेक्रेटरी के साथ लंच है ताजमहल होटल में, वो वहाँ आपको ब्रीफ करेंगे, बाकी पासपोर्ट वासपोर्ट आपका हो गया। तो मुझे भेज दिया यूएन। मैंने बाद में पता लगाया, मैं कहा ये कैसे हुआ? बोला जी राजीव जी प्राइम मिनिस्टर अफ्रीका के दौरे पर गए थे,
वहाँ ये फाइल उनको पुट अप हुई थी, आपका नाम तो था नहीं क्योंकि नाम तो नीचे फॉरन मिनिस्ट्री से आते हैं, उन्होंने अपने कलम से खुद आपका नाम लिखा है और उनको एड्रेस वड्रेस कुछ नहीं था। उन्होंने कहा अश्विनी कुमार सुप्रीम कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट में लोग मुझे ढूंढने लगे, ना कोई टेलीफोन नंबर, उस वक्त मोबाइल वोबाइल होते नहीं थे। ये थी राजीव जी की बात, कह दिया। ये सोनिया जी की बात भी है, ना कहें तो ना कहें, अगर हाँ तो हाँ, ना तो ना। राहुल गांधी का जो स्पीच देने का, जैसे राजीव गांधी के लिए आपने बोला इमोशन रैशनल ज़्यादा होता था, रैशनल थे वो बहुत, तो राहुल गांधी के लिए क्या सजेशन है इनके स्पीच को लेकर? मैं सजेशन उनको क्या दे सकता हूँ, उनको काफ़ी लोग सजेशन देने वाले हैं, उनका दिल ठीक जगह पर है, पर वो कम्युनिकेट कैसे करेंगे अब ये तो उनको देखना है। अच्छा सर, जी जी, आप लंबे समय तक कांग्रेस के साथ में रहे, तो अपने अनुभव के आधार पर क्या कह सकते हैं कि कांग्रेस आज भाजपा से तो लड़ सकती है लेकिन मोदी से? आज जो भाजपा की चढ़त है उसका श्रेय तो मोदी जी को है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। लोग उनके उनके नाम को वोट डाल रहे हैं, बीजेपी को वोट नहीं डाल रहे, ये बात बिल्कुल साफ है। अब उनके मुकाबले में खड़ा होकर उनको उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स पर जो मात कर लेगा वही उनको चुनौती दे पाए। क्या ये माना जाए कि 2024 फिर भाजपा का होना? ये मैं कैसे कहूँ, भाजपा के लिए भी डगर कोई बहुत आसान नहीं है, मगर आज भी कुछ हद तक भाजपा की चढ़त है, ये तो मानना पड़ेगा। अब आने वाले 8 महीने में क्या होता है, देखिए जब हमने 2004 का चुनाव जीता तो मैं वन ऑफ द मेन स्पोक्स पर्सन था कांग्रेस पार्टी का, तो हर टीवी डिबेट पर हर जगह हम लोग होते थे। जब इलेक्शन वाजपेयी साहब ने अनाउंस किया उस वक्त ये नहीं लग रहा था कि हम जीत जाएंगे। मालूम, मैं आज भी मानता हूँ कि हम क्यों जीते, मालूम क्यों? वाजपेयी जी ने प्रीपोन कर दिया इलेक्शन 1-2 महीने 3 महीने व्हाटएवर, उससे चुनाव का जो 3 हफ्ते की जगह हम लोगों को 9 हफ्ते मिल गए वो इंडिया शाइनिंग कंपेन को ध्वस्त करने के लिए। अगर ये ना हुआ होता, 3 हफ्ते का कंपेन होता, तो शायद हम ना जीतते। तो क्या कब हो जाए ये पता नहीं लगता। जैसे परिवार में, जब परिवार संकट में रहता है तो कोशिश की जाती है कि सब लोग एकजुट हो जाए। उस समय कांग्रेस जिस समय अपने सबसे बुरे दौर में, सबसे खराब दौर में, उस बीच आप जैसे बड़े नेताओं को छोड़ के जाना, वो कितना सही है? आपको तो पार्टी के साथ अभी रहना चाहिए। देखिए, मैं अपनी होंद को मिटा के किसी के साथ नहीं रह सकता। अगर मैं खुद में मिट्टी हो जाऊं तो मैं पार्टी में क्या कंट्रीब्यूट करूंगा? सबसे बड़ी आपकी जायदाद क्या है? सबसे बड़ा आपका एसेट क्या है? आपका आत्मसम्मान है ना। अलामा इकबाल का बहुत बड़ा शेर है, जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही। इश्क सिर्फ रोमांस की बात नहीं होती, इश्क होता है पैशन, चाहे देश के लिए हो, चाहे दोस्त के लिए हो, चाहे समाज के लिए हो। जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, आदाब खुद आगाही मैंने अपनी सेल्फ वर्थ का, जब आपको एहसास खुद होता है, खुलते हैं गुलामों पर असरार शहनशाही। कि जब एक गुलाम को भी अपनी अपनी सेल्फ वर्थ का एहसास हो जाता है तो उस पर उसके चेहरे पर भी राजा जैसा नूर आता है। तो जब अपनी सेल्फ वर्थ का एहसास ख़त्म हो जाए तो राजा भी चूर हो जाता है। लास्ट में अब जो पहले बात हुई थी थोड़ी आपकी पहलवानी की, के शौक की, तो क्या करते थे पहलवानी या सिर्फ देख? पूरी पर 3-4 साल तो और कुछ किया ही नहीं। सेंट स्टीफन्स कॉलेज के इतिहास में मैं पहला पहलवान था जिसने इंटर यूनिवर्सिटी रेसलिंग लड़ी थी शिवाजी कॉलेज में जाके। बहुत, अगर आप मेरी खुराक सुन लें उस वक्त क्या होती थी तो आप तो हंस पड़ेंगे। खैर, हमने बहुत शिद्दत से पहलवानी की 3 साल। 3 साल सुबह शाम वेट लिफ्टिंग रेसलिंग यही करते थे। मैं तब भी टॉप करता था अपने स्कूल में, कॉलेज स्कूल में भी किया, यूनिवर्सिटी स्कूल में टॉप किया, यूनिवर्सिटी में मैं ऑल इंडिया बेसिस पर चार नंबर पे आया था। सो अपने स्कूल में, दिल्ली पब्लिक स्कूल में टॉप किया था 1969 के हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन। बल्कि मेरी क्लास टीचर ने एक दिन मुझे देख लिया टेबल टेनिस खेलते हुए, 3 दिन थे अभी बोर्ड एग्ज़ाम को, तो उन्होंने कहा तुमने फेल होना है क्या, तुम जाके पढ़ो, तुम यहाँ टेबल टेनिस खेलने आ गए हो। मैं कहा नहीं, मैंने पढ़ लिया। पसंदीदा अभिनेता? मेरे पसंदीदा
एक्टर हमेशा के लिए मेरे पसंदीदा एक्टर अशोक कुमार थे। उनकी एक्टिंग को देखकर मैं वकील बना। मेरे घर में कोई वकील नहीं है, मेरे पहले 10 पुश्तों में कोई वकील नहीं था। तो सबसे ज़्यादा असर मेरे पर अशोक कुमार जी का था, और वो फिर मेरे को बहुत प्यार भी करने लगे, मेरे घर भी आते थे, मैंने उनके लिए खाना भी किया। हाँ, देवानंद मेरे पसंदीदा एक्टर थे, वो मेरे हल्के के थे, गुरदासपुर जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है वहीं के थे वो। उनके जो बड़े भाई थे मनमोहन आनंद, वो मेरे फादर के खिलाफ जनसंघ के टिकट पर चुनाव लड़ा करते थे, हमेशा हारा करते थे, मगर तो देवानंद साहब के साथ मेरा प्यार भी था। ठीक है अश्विनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।